तो दोस्तों बाइक का आपने पिंक एडिशन क्या देखा है? कभी नहीं देखा है तो भाई आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। यानी कि एक न्यू पिंक कलर वाली यहाँ पे मिल जाती है एडिशन, वो भी आपको मिलेगी यमा की R15 में। ये दोस्तों ये बाइक आपको मिलेगी कुछ पिंक टाइप की, यानी कि इसका ऑलियो का प्रोफाइल आपको मिलेगी पिंक शेप में, और इसका हल्का फुल्का मिलेगी ग्राफिक्स वगैरह जो कि मिल जाती है। ये देखो तो कुछ अलग यहाँ पे आपको मिलेगी कलर के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, जो कि इस बाइक को कम्प्लीटली डिफरेंट बनाएगी बाकी बाइकों के मुकाबले। और ये भी गाड़ी है यमा की R15, और गाड़ी बिलोंग करती है रे मोटर शोरूम से, यानी कि यमा शोरूम से। अगर आपको यमा की कोई भी बाइक लेनी हो तो इनका नंबर आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो भाई आज रिव्यू करेंगे दिस पिंक पिंक वाली गाड़ी, यानी कि यमा की R15 को। अगर प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी का जो ऑन रोड जो प्राइसिंग आ जाएगी 2,25,000 के आसपास। एंड 2,25,000 में आपको मिल जाती है कुछ पिंक वाली यहाँ पे, जैसे देख पा रहे हो ट्यूटर वगैरह। तो चले भाई दिखाते हैं इस गाड़ी को। तो फ्रंट का प्रोफाइल दोनों गाड़ी पे देखिए सेम यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, दोनों गाड़ी सेम ही है। ये आ जाती है मिड वेरिएंट में, ठीक है। अगर फीचर्स की बात करें तो आपको मिलेगी यहाँ पे एलईडी की DRL, बाईफेसल एलईडी की हेडलाइट जो कि सेंटर में दी जा रही है, ब्लू कलर की आपको मिलेगी हल्की फुल्की यहाँ हाईलाइटर जो है यहाँ पे ग्राफिक्स इसके वाइजर के ऊपर ब्लैक एंड ब्लू कलर की यहाँ पे। एंड ये हो गया इसका विंडशील्ड का पार्ट, ठीक है। देन ये आपको मिलेगी मैट कलर में, ये देखो मैट कलर में आपको ये बाइक मिलने वाली है। और उन पर भी यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, ये देख लो पिंक ब्लैक के साथ, राइट। और जैसे कि भाई बता रहा था इसका अलॉय का प्रोफाइल, दिस वन आपको मिलेगी यहाँ पे पिंक वाली अलॉय जो कि थोड़ी सी यहाँ पे अलग शेप में मिलने वाली। और अगर टायर साइज की बात करें तो आपको मिलेगी 180-17 इंच की फ्रंट व्हील आपको मिलेगी यहाँ पे डोर जनेवेस। फ्रंट में आपको मिलेगी 282 mm का जो है डिस्क का पार्ट बाइबर के यहाँ पे दीजिए कैलिपर। और आपको मिलेगी UHD के सस्पेंशन फ्रंट की ओर, ठीक है। अभी बात करते हैं मैं साइड की, तो ये हो गया इसका साइड प्रोफाइल। और पिंक कलर का जो ग्राफिक्स आपको मिलेगी इसके फेयरिंग के ऊपर, एंड वर्सन 4.0 यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टिकरिंग के साथ। फुल फेयरिंग वाली बाइक है तो आपको मिलेगी टॉप टू बॉटम यहाँ पे फेयरिंग का पूरा पार्ट। आपको मिलेगी हेलोजन के इंडिकेटर्स इस बाइक में, एंड दिस इज द मिड वेरिएंट ऑफ R15। और अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ तो आपको मिलेगी एग्जॉस्ट का पार्ट, और ये आपको मिलेगी डुअल यानी कि ब्लैक एंड हल्का यहाँ पे रखा गया है डार्क सिल्वर के साथ, ठीक है। एंड दिस इज द रियर टायर आपको मिलेगी 140-17 इंच की रियर व्हील। रियर डिस्क कहाँ गया, 220 mm का डिस्क रखा गया। एंड आपको मिलेगी यहाँ पे मोनोशॉक के सस्पेंशन जो कि थोड़ी सी अंदर की तरफ रखा गया है। एंड ये हो गया इसका टायर हगर का पार्ट, आपको मिलेगी थोड़ी सी स्मॉल शेप में यहाँ पे, दिस इज द रिफ्लेक्टर का पार्ट। एंड अगर रियर काउल VVA यानी कि वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन का आपको मिलेगी यहाँ पे स्टिकरिंग। आपको मिलेगी टेक्नोलॉजी इस बाइक में जिसका स्टिकरिंग आपको मिलने वाली है विथ पिंक कलर एंड ब्लैक कलर के यहाँ पे ग्राफिक्स, राइट। और ये हो गया इसका टेल लाइट, आपको मिलेगी शार्प शेप में LED की टेल लाइट। दिस इज द इंडिकेटर, हैलोजन बेस, रिफ्लेक्टर। एंड इस साइड में आपको मिल जाती है साड़ी गार्ड, पिलियन फुट पैक, राइडर फुट पैक को मिलेगी यहाँ पे एलुमिनियम के साथ। एंड आपको मिलेगी साइड स्टैंड इस बाइक में। एंड ये हो गया इसका सीट, आपको मिलेगी स्प्लिट टाइप की सीट, 815 mm का रखा गया इसका राइडर जो सीट हाइट है, दिस इज़ द पिलियन सीट। और ये आपको मिलेगी एक स्ट्रैप जिसको ग्रैब करके आप इस बाइक को मूव कर सकते हो। एंड दिस इज द टैंक का पार्ट, आपको मिलेगी 11 यानी कि 11 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ मिलेगी गाड़ी। E20 आपको मिलेगी कॉम्प्लाइंट, R15 यहाँ पे मेंशन किया गया है। दिस इज द यमा वाइट कलर का फीचर मिल जा रही है, यानी कि आपको मिलेगी ब्लूटूथ का फीचर भी इस बाइक में, यमा का लोगो राउंड वाली। एंड ये हो गया इसका की, ठीक है। क्लस्टर आपको दिखाओ, तो दिस इज द मिड वेरियंट ऑफ यमा R15। एंड ये हो गया इसका क्लस्टर का एरिया, ब्लैक एंड व्हाइट वाली आपको मिलने वाली है। और स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर यहाँ पर जैसे कि डिस्प्ले हो रहा है। एंड आपको मिलेगी गियर सर्टिफिकेट आपको मिलने वाली है। देन आपको मिलेगी स्मार्ट कनेक्ट का फीचर यानी कि आपको मिलेगी ब्लूटूथ का फीचर, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्लस्टर का एरिया। एंड अगर मैं स्विचेस की बात करूँ तो दिस वन इज़ द हाई बीम लो बीम एंड इंडिकेटर हॉर्न इंजन किल स्विच सेल का स्विच आपको मिलेगी एक ही जगह में। हैजर्ड का स्विच आपको दी जा रही है इस बाइक में, राइट। तो स्टार्ट करें, एक बार करना बनता है भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। आपको मिलेगी 6 गियर इस बाइक में। अभी आगे देखिए न्यूट्रल में आ गई, अभी स्टार्ट करते हैं बाइक को और सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये सुनो, राइट।
हाँ भाई, और एक स्विच में आपको बताना भूल गया, वो है ये वाली, देखिए ट्रिप इन्फो। ये थोड़ा सा भी निचले तरफ मिल जाती है तो मुझे दिखा नहीं, ये देखो ट्रिप इन्फो मिल जाता है एक स्विच यहाँ पे, आई मीन बटन मिल जा रही है, जिससे ऑडोमीटर, ट्रिप ऑन, ट्रिप टू, यहाँ पे देखिए इससे होता है फंक्शन वगैरह। ये देखो एवरेज, राइट, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे देखिए शो कर रही है, कूलेंट पे कितना टेम्परेचर, कूलेंट का एवरेज यहाँ पे शो करेगी, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, कूलेंट, ट्रैक, ओके, ट्रैक मोड यहाँ पे है, ठीक है, तो इससे होता है ऑपरेट, ये देखो। अभी इंजन की बात कर लेते हैं, तो ये है 155 cc की, आई मीन जो इंजन इसमें लगा हुआ है, एंड आपको मिलेगी लिक्विड कूल इंजन के साथ। अगर पावर फेयर की बात करें तो 18.4 PS की पावर निकालती है, एंड 14.2 Nm का आपको मिलेगी इसमें टॉर्क। माइलेज स्पीकर भाई मान के चलो 50 से लेकर 55 अराउंड आपको मिलने वाली इस बाइक से, इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, राइट। देन अभी प्राइसिंग 225 इसका ऑन रोड प्राइसिंग है, यानी कि अराउंड 5 मिड वेरिएंट वर्जन 4.0 का, एंड पिंक कलर का यहाँ पे मिल जाता है ट्रीटमेंट, यानी कि इसका ऑलॉय का प्रोफाइल, एंड हल्की हल्की आपको मिलेगी यहाँ पे ग्राफिक्स भी दी जा रही है इसके फेयरिंग के पार्ट में। तो स्पेशल ये कलर आपको कैसा लगा, यानी कि मेड वाली कलर, मुझे कमेंट बताया। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिनको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं लोगों में, धन्यवाद।